हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो APs हैं. सपोज करो कि एक APs A1, A2, A3, ...... ये है जिसमें मैंने स्मॉल a डील किया है, और एक AP है जिसमें कैपिटल A ले लेते हैं, A1, A2, A3, ...... ओके, ये दो APs हैं हमारे पास. अब बोला जा रहा है इनके कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, सो इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी CD कॉमन डिफरेंस इज D, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D. समझ में आया? दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने D ले लिया दोनों में. इनका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर है A1 और इसका फर्स्ट नंबर है A1, लेकिन इसमें कैपिटल A1 और इसमें स्मॉल A1. ओके, अब आगे बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म. सो इन दोनों के जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस, यानी इसका 100th टर्म, सो A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 है. ओके, इनका डिफरेंस 100 है. सो हमें बताना क्या है? हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो 1000 टर्म्स यानी कि ए 1000 माइनस ए 1000, है ना, स्मॉल और कैपिटल इक्वल टू व्हाट इज दिस, यही बताना है. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. ये 100, सो ए 1 फर्स्ट टर्म इज A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n क्या है 100, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा 99, और d इज द डिफरेंस, है ना, तो d है माइनस. अब यहां पे हम लिखेंगे A100 इससे. सो फर्स्ट टर्म इज A1 कैपिटल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 100, तो 100 माइनस 1 तो 99, और डिफरेंस इसका भी d है इक्वल टू 100. यही है, इतना समझ में आया? अब आगे देखो हम क्या करेंगे. A1 99d माइनस से ये ब्रैकेट में ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 99d इक्वल टू 100, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस. अब स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू 100 आया. इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इक्वेशन फर्स्ट इसे डील करते हैं. अब इसे सॉल्व करते हैं. सो ये भी सिमिलरली ऐसे ही होगा. ओके, जिस तरीके से ये 100 में A1 प्लस 99d मैंने लिखा, वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे A1 प्लस 1000 माइनस 1, यानी ट्रिपल लाइन आएगा, ट्रिपल लाइन, और कॉमन डिफरेंस सेम है सो डी. यहां माइनस है तो जैसे यहां पे माइनस था तो यहां पे साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, ऐसे इसे भी साइन चेंज करके हम डायरेक्ट लिखेंगे. ओके, तो A1 माइनस ट्रिपल लाइन एंड डी इंटू डी. ओके, अब ये क्या होगा, कट जाएगा. सो A1 स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल टू क्या होगा? सो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसके इक्वल टू 100 आया है, तो यहाँ भी इसके इक्वल टू हम 100 लिख लेंगे. ओके, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ओके, सो 1000 टर्म्स का भी जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 100.